नमस्कार दोस्तों, ओली ब्यूटी सैलून मीरा रोड और ओली सैलून एकेडमी विरार से निधि सिन्हा। और आज मैं आप लोगों को फेस ब्लीच के बारे में बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें फेस ब्लीच का डब्बा मिलता है, जिसपे कि अलग अलग ब्रांड्स के हमें मार्केट में मिलते हैं ब्लीचेस। और इसके अंदर हमें दिए गए रहते हैं ये इस तरह का एक प्री ब्लीच क्रीम, देन एक पोस्ट ब्लीच क्रीम और एक ये क्रीम का डिब्बा और इस तरह के एक्टिवेटर्स दिए गए रहते हैं। ये क्योंकि बड़ा डिब्बा है तो इसमें ट्यूब्स में दिए हैं दो तीन एक्टिवेटर्स के डिब्बे, लेकिन अगर आप छोटा पाउच लेते हो घरेलू यूज़ के लिए, वन टाइम यूज़ के लिए, तो उसमें छोटे छोटे प्री ब्लीच के पोस्ट ब्लीच के पाउचेस होते हैं। प्री ब्लीच क्रीम हमें कब लगाना है, जो इसमें दिया गया है वो जब हम अपना फेस क्लिंजिंग करते हैं। ब्लीच लगाने के पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है, सारे डस्ट को रिमूव करना होता है। अगर आपके पास आपके क्लाइंट आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि आप उनके फेस को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आपको ये प्री ब्लीच क्रीम लगाना है। ये प्री ब्लीच क्रीम क्या करता है कि आपके फेस का जो आपके स्किन का जो पीएच है उसको बैलेंस करता है, ताकि जो भी आप अभी इसके बाद ब्लीच लगाने वाले हो आपको स्किन को हार्श ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है प्री ब्लीच क्रीम लगाना। अगर आपके पास आपके किट में अगर प्री ब्लीच क्रीम नहीं है तो आप कोई भी एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें इस क्रीम को और इस एक्टिवेटर को एक प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हमें जो भी हमारे एरिया है जहाँ पे भी हमें लगाना है वहाँ पे हमें अप्लाई करना है। उसके बाद हमें कम से कम 10 मिनट के लिए रखने के बाद हमें चेक करना है। अब हम कितनी देर तक रखें इसे, तो अगर किसी का तो आपके कोई क्लाइंट है उनका स्किन अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो आप उन्हें 10 मिनट के बाद आप चेक करिए 10 मिनट में, क्योंकि अगर वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं तो अगर आप ज़्यादा टाइम रखोगे तो बाल ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे, जो कि उनके स्किन पे अच्छा नहीं दिखेगा पूरे फेस पे। और अगर फेयर स्किन है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब 15 मिनट के लिए रख सकते हो। 15 मिनट के बाद में आपको चेक करना है कि उनके जो फेशियल हेयर है वो उनके स्किन टोन में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 15 मिनट्स के बाद हो गया तो आपको ब्लीच क्रीम रिमूव करना है। तो हमें ये समझ में आया कि अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आपको कम समय के लिए ब्लीच रखना है, और अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आपको थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए ब्लीच रखना है। ब्लीच रिमूव करने के बाद इसमें दिया गया जो ये पोस्ट ब्लीच क्रीम है वो हमें अच्छे से फेस पे लगाना होता है। फिर से अगर आपके पास पोस्ट ब्लीच क्रीम नहीं है तो आप फिर से एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या अगर बाहर धूप है, आपके क्लाइंट अगर अभी धूप में जाने वाले हैं तो आप उन्हें सनस्क्रीन लोशन लगा करके ही बाहर भेजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, कुछ अच्छा थ्योरी नॉलेज देने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।